दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं R15 V4 जो कि अभी नई नई रिसेंटली आई है उसके फाइनेंस को लेकर हम बात करने वाले हैं। पूरी डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं, उसमें आपको कम से कम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, EMI कितनी आएगी एंड एक्स्ट्रा पैसा आपका कितने लगने वाला है। तो हमारे साथ में यहाँ के जो फाइनेंसर हैं हम उनसे बात करवाते हैं। पहले सर आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम प्रथमेश है, मैं मनबा फाइनेंस से हूँ। मैं यहाँ पे एक साल से काम कर रहा हूँ और हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। मतलब हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो हम फाइनेंस करते हैं तो उसमें कम डॉक्यूमेंट्स में हम लोग जल्दी से जल्दी लोन अप्रूव कर देते हैं। आपका कहने का मतलब ये है आप मिनिमम डॉक्यूमेंट्स भी फाइनेंस कर देते हो, और ये बता दो क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हो आप? हम लोग आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, लाइट बिल लेते हैं और 4 महीने का बैंक का स्टेटमेंट लेते हैं। ओके गुड। और ये बताओ बैंक का ट्रांजेक्शन कितना होता रहना चाहिए एवरी मंथ? नॉर्मल 3 महीने का रहता है, पर आपका सैलरी जो रहता है सैलरी मेन रहता है, सैलरी स्पेसिफाई रहनी चाहिए, कंपनी का नाम स्पेसिफाई रहना चाहिए। गुड गुड। उसके ऊपर से आपका वो लोन अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अच्छा, उसके ऊपर आपको लोन अमाउंट ज़्यादा मिलने वाला अगर आपका सैलरी पर्सन हो, एवरी मंथ आपकी सैलरी ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन अमाउंट आप बता दो कितना होना चाहिए मंथली? 3,000, 4,000, 10,000, 20,000 ऐसा कुछ? मैक्सिमम टेन थाउजेंड और कम मतलब कुछ भी रहा 5,000, 4,000 तो भी चलेगा। और ये बता दो जो सैलरी जो जिनको मतलब सैलरी नहीं मिलती उनके लिए कोई ऑप्शन है? उनका नॉर्मल है, नॉन इनकम प्रूफ में उनका हो जाता है। नॉन इनकम प्रूफ में हो जाता है पर उनका थोड़ा फंडिंग ज़्यादा डाउन पेमेंट ज़्यादा देना पड़ता है। डाउन पेमेंट ज़्यादा हो जाता है उनका, फाइनेंस थोड़ा मतलब कम हो जाता है। अच्छा हो गया। जो मतलब जॉब नहीं करते उनके लिए भी ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा डाउन पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। वो यहाँ पे आप विजिट करोगे तो आपको प्रॉपर डिटेल से समझा देंगे। और ये बता दो जैसे इनका यहाँ पे मतलब किसी का घर नहीं है मुंबई में तो वो रेंट पे रह रहे हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? रेंट एग्रीमेंट पे हो जाता है और आधार कार्ड पे सेम एड्रेस होना चाहिए। आधार कार्ड पे सेम एड्रेस होना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा उसके। और अभी हम बात कर लेते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले, जो आपके यहाँ कोई अगर फाइनेंस कराने आ रहा है तो क्या क्या लेके आए ये बता दो आप। तो अभी आते टाइम सिर्फ वो आधार कार्ड लाए, पैन कार्ड लाए, लाइट बिल लाए घर का जहाँ पे वो रहते और बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का पासबुक की भी रहेगा तो भी चलता है। अच्छा, उसके ऊपर भी हो जाता है। ओके। और ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा कुछ ऑप्शन है? हाँ, वो अदर लाइसेंस है तो वो कैसा, वो सिर्फ अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड वो दोनों में से कोई एक मिसिंग रहेगा तो उस पर वोटर आईडी नहीं तो पासपोर्ट चाहिए। वोटर आईडी नहीं, पासपोर्ट नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस ये काम में आ जाता। ये आपने अच्छा बोला। और आप ये बता दो कि फोटो लगेगा जैसे आपके पास कोई है तो? एक पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। एक पासपोर्ट फोटो। और कितना टाइम लगता है आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होने में फाइनेंस का? फाइनेंस का प्रोसेस अगर जिस दिन आप लाए, जिस दिन बुकिंग की है उस दिन लॉगिन होता है, उसी दिन अप्रूवल आता है और उसके दूसरे दिन डिस्पर्स हो जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 डेज लगते हैं पूरी प्रोसेस होने के लिए, लोन अप्रूवल और डिस्पर्समेंट होने तक। गुड। बहुत ही कम टाइम लगने वाला है यहाँ पे अगर आप फाइनेंस कराते हो प्रोसेस इनका। आप मुझे ये बता दो कि आपके यहाँ पे FI वेरीफिकेशन होता है या नहीं? हाँ, वो FI वेरीफिकेशन जिस दिन लॉगिन होता है उसके दूसरे दिन वो वेरीफाई हो जाता है। हाँ, आपके घर पर वो बैंक का आदमी आता है और वो जगह वेरीफाई कर लेता है और वो अप्रूवल दे देते। हाँ ठीक है। एक बार आप फिर से बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहिए आपके पास कोई आता है तो? आधार कार्ड लाना पड़ेगा, पैन कार्ड लाना पड़ेगा, लाइट बिल लाना पड़ेगा, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, बैंक की पासबुक लगेगी, नॉर्मल अपने चार चेक, वो डिस्बर्समेंट के टाइम लगते हैं। सो दोस्तों अभी हम इस बाइक के प्राइस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 3 कलर मिलने वाला है, तीनों की प्राइस अलग अलग है तो हमारे सर से जानते हैं। सर पहले आप ब्लू कलर का प्राइस बता दो ऑन रोड। ब्लू कलर का ऑन रोड प्राइस है 2,07,300 रुपीज़। ओके। और डार्क नाइट एडिशन जो ब्लैक कलर है 2,02,800 रुपीज़। ओके। और रेड कलर का 2,01,800 रुपीज़। ओके। सबसे ज़्यादा प्राइस दोस्तों रेसिंग ब्लू का है तो हम उसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे EMI, फाइनेंस एंड डाउन पेमेंट को लेके। तो अभी हम बात कर लेते हैं सर जी, आप बता दो कम से कम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? हमारे यहाँ पे मिनिमम 60,000 डाउन पेमेंट है। यहाँ पे 3 प्लान्स है, एक 1 ईयर का प्लान है, 2 ईयर का प्लान है और 3 ईयर का प्लान है। 3 ईयर प्लान मैक्सिमम प्लान होता है। आपको 1 ईयर प्लान का मैं आपको EMI बता देता हूँ, उसका EMI आएगा 15,400 रुपीज़। अच्छा, 15,400 आपको एवरी मंथ पे करना पड़ेगा अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हो तो। और आप 1 ईयर का बता दो इंटरेस्ट रेट कितना पड़ने वाला है? 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 10.75। और एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा 22,000 उसमें जाए। 22,000 के आसपास आपका एक्स्ट्रा जाने वाला है। और सेकंड अभी आप टू ईयर का आपका EMI जाएगा 8,100 रुपीज़। EMI आएगा मंथली।
ओके इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट वही 10.75। ओके एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ेगा इसमें? 36,000 आपका एक्स्ट्रा जाएगा। अच्छा इसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आप सोच समझ के लेना। और आप मुझे ये बता दो अगर कोई 1 लाख डाउन पेमेंट तो उस पर क्या स्कीम रहने वाली है, क्या प्लान रहने वाला है? अगर कोई 1 लाख का डाउन पेमेंट दे रहा है तो उसका 1 ईयर का EMI कैलकुलेशन आएगा, तो उसका 11,300 रुपीज़ उसका पर मंथ EMI जाएगा। अच्छा 11,300 रुपये 1 ईयर के? हर महीने पे करना पड़ेगा 1 ईयर के लिए। और इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट वही 10.75 आएगा। एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ेगा? एक्स्ट्रा उसका जा रहा है 17,000। ओके। और सेकेंड अगर 2 ईयर का प्लान लिया तो? अगर उसका 2 ईयर का प्लान है उसका पर मंथ EMI आएगा 5,900 रुपीज़। 5,900 रुपये, ये अच्छा है। और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? उसका एक्स्ट्रा 30,000 जाएगा। 30,000 देना पड़ेगा। तो आप लोग सोच लो, और अगर कोई इससे ज़्यादा पेमेंट करता है लमसम 1,40,000 के आसपास डाउन पेमेंट करता है तो उस पर क्या प्लान रहेगा? तो उसका 1 ईयर का प्लान आएगा 7,300 रुपीज़ का पर मंथ EMI जाएगा। अच्छा 7,300 रुपीज़। 7,300 पर मंथ EMI। इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट 10.75। एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा जाएगा 13,000। 13,000 के आसपास? 30,000 के आसपास एक्स्ट्रा जाने वाला है। ओके और 2 ईयर के लिए अगर कोई प्लान लेता है तो? टू ईयर के लिए अगर 1,40,000 में प्लान ले रहा है तो उसका EMI जाएगा 3,800 रुपीज़। 3,800 रुपीज़। ओके इंटरेस्ट वही 10.75 आएगा। एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसमें 21,000 एक्स्ट्रा जा रहा है। 21,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, जो कि अच्छा है। और आप मुझे ये बता दो अगर कोई जैसे क्लोज करना चाहे 6 महीने बाद, साल भर बाद, ऐसा कुछ ऑप्शन है आपके यहाँ पे? हाँ, बैंक ऑप्शन देती है कि 6 मंथ बाद आप अपना पूरा अमाउंट क्लोज कर सकते हैं। 6 मंथ तक आपका EMI लगेगा, उसके आगे का EMI उसमें वे ऑफ हो जाएगा। अच्छा मतलब काफ़ी बजट होने वाला है? काफ़ी बजट हो जाएगा। वो आपका मतलब आगे का जो मंथ रहते हैं, मतलब 6 मंथ के बाद जो मंथ बाकी रहते हैं उसके ऊपर उन लोग परसेंटेज रखते हैं। मैक्सिमम ऐसा 2-3% ऐसा अप्रोक्स रखता है वो, जो उसके ऊपर आपका EMI कैलकुलेट करेंगे और वो आपको ये क्लोज हो जाएगा। और जैसे आप मुझे बता दो आपके यहाँ का फाइनेंस लेने का क्या फ़ायदा होगा, मतलब लोगों का बेनिफिट क्या होगा अगर आपके यहाँ कोई फाइनेंस लेता है दूसरी बैंक में ना ले, ऐसा कुछ फ़ायदा होता बता सकते हो? प्रोसेस बहुत ही फास्ट है, बहुत फास्ट है। डिसबर्समेंट में ना कोई इतना जल्दी हो ही नहीं पाता। नॉर्मल कम डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे फटाफट डिसबर्समेंट होती है और अप्रूवल आ जाता है। और सिविल स्कोर का लेके कोई ऐसा? हाँ सिविल स्कोर इसमें हम एक कंडीशन रखे उन्होंने कि सिविल स्कोर 700+ रहेगा तो लोन अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर सिविल स्कोर बिलो 700 रहेगा तो थोड़ा इशू आता है, उनको सैलरी स्लिप दिखाना पड़ता है, इनकम प्रूफ बताना पड़ता है, तब भी वो आपका लोन अमाउंट अप्रूवल जितना चाहिए उतना। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, नाम बता दो और इस शोरूम का एड्रेस आप बता दो शॉर्टकट में। मेरा नाम प्रथमेश है, कॉन्टैक्ट नंबर 8237450513। ये मालाड शोरूम का है, मालाड में चिंचोटी बंदर के पास ये शोरूम है, वहाँ पे हनुमान मंदिर के पीछे आपको ये शोरूम मिल जाएगा। ओके दोस्तों मैं इस शोरूम का एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा भाई साहब का और इस शोरूम का भी। अगर आपको फाइनेंस लेना है, अगर आप लोग मुंबई से हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूरी डिटेल्स आपको ये समझा देंगे क्या क्या है कैसे है, बहुत अच्छे तरीके समझा देंगे ये। और अगर आप लोगों को डार्क नाइट एडिशन एंड रेड कलर लेना है तो आप समझ जाओ इसकी प्राइस ज़्यादा है उसकी प्राइस कम है, उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको R15M का चाहिए फाइनेंस का डिटेल तो आप लोग कमेंट करोगे मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।